राजस्थान पटवार संघ द्वारा आज से आमरण अनशन की शुरुआत कर दी गई। पटवार संघ के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में किए गए समझौते को सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है, साथ ही सरकार के नुमाइंदे समझौते की क्रियान्विति नहीं कर रहे हैं। पटवार संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि आमरण अनशन की शुरुआत हो चुकी है और अगर उनकी 7 सूत्री मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और इस उग्र आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। राजस्थान पटवार संघ का 3 जुलाई 2021 को और 4 अक्टूबर 2021 को राजस्व सेवा परिषद के साथ सरकार का समझौता हुआ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर हुआ। लेकिन पिछले लंबे समय से सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो समझौते की पालना नहीं कर रहे हैं और हमारे समझौते की पालना नहीं कर करके जो फाइलें चल रही हैं उनको भी अटकाने का काम किया जा रहा है और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से हमारे साथियों के ट्रांसफर दूर दराज के जिलों में किए जा रहे हैं, जो पूर्णतः राजनीतिक विध्वस्तता से किए जा रहे हैं। बार बार निवेदन करने के बाद भी राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने और पटवार संघ को आंदोलन के लिए मजबूर किया गया है, इसीलिए राजस्थान पटवार संघ ने आज निर्णय लिए हैं कि 14 नवंबर से राजस्व मंडल के सामने हमारे 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर के आमरण अनशन शुरू किया जाएगा और जब तक सरकार हमारी 7 मांगों को नहीं मान ली जाती है तब तक हमारा आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। हमारे साथी यहाँ पर आने शुरू हो गए और आने वाले समय में ये आंदोलन और उग्र रूप यदि राजस्थान में धारण करता है और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है और किसी भी प्रकार का काम रुकता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी उन ब्यूरोक्रेट्स और उन राजनेताओं की है जिन्होंने ये परिस्थितियां क्रिएट की है जिसके कारण हमें मजबूरन आंदोलन में जाना पड़ा। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में रह गया सिर्फ 1 साल का समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 15 नवंबर 2022 से रोजाना 2 विधानसभा 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम अजमेर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध, तो देर ना करें आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर, 9571204206।